Good morning, everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Living Organization to Yog Vashishtha Morning Session. नमस्ते, मैं सोमेश्वर, आप सभी का आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के सुबह के सत्र में स्वागत करता हूँ। रोज की तरह आज के सत्र की शुरुआत भी हम लोग तीन बार ओंकार का उच्चारण करने से करेंगे। We'll begin our session by chanting Om three times. Today we are on day 104. आज हम लोग 104वें सत्र में यहाँ पे पहुंच चुके हैं। एंड आज हम लोग यहाँ पे चुड़ाला आख्यान है उसको आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे जो शरीर विज्ञान होता है, कुंडलिनी योग होता है, सिद्धि प्राप्त करने के अलग अलग कौन से मार्ग हो सकते हैं, कौन से प्रकार की सिद्धि, अष्ट सिद्धि यहाँ पे बताई गई है, उनको प्राप्त करने के लिए क्या क्या साधन लगते हैं, ये सारी चीजें, देन आधि व्याधि क्या होता है अपने जीवन में, जो हमें डिसीज प्राप्त होते हैं, रोग प्राप्त होते हैं, आधि व्याधि हम लोग जिसको कहते हैं, वह क्या होती है, वह कैसे उत्पन्न होती है, उससे मैं छुटकारा कैसे पाए, नाड़ी क्या होती है, नाड़ी विज्ञान क्या होता है, ऐसे कई सारी डिटेल, कुंडलिनी क्या होती है, कुंडलिनी योग क्या होता है, ये सारी चीजें डिटेल में यहाँ पे चौटाला अक्षर में वर्णन किया है। तो हम लोग धीरे धीरे पिटल बाय पिटल जिस तरह से वशिष्ठ मुनि इस ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं, हम लोग भी अपने आप को यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे, डिटेल में इसके जाएंगे, इसके ऊपर चर्चा भी करेंगे, आपका प्रश्नोत्तर वो भी देखेंगे, आपका इसके बारे में क्या अनुभव है उसको भी हम लोग जानने का प्रयत्न करेंगे। सो लेट्स बिगिन अवर सेशन, आज के सत्र की शुरुआत करते हैं अपनी आंखें बंद कर लें। लेट्स ऑल सिट कंफर्टेबली, आराम से बैठ जाए, आंखें बंद कर लें, रीढ़ की हड्डी सीधी कर ले, गर्दन सीधी, शोल्डर्स रिलैक्स्ड। चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान, भीतर एक तृप्ति का अनुभव। जो कुछ भी हम लोग अपनी जिंदगी में करते हैं, ना तो कुछ प्राप्त करने के लिए करना है, ना कुछ खोने के लिए, बस जो है वैसा है, इसी में तृप्ति है, उस तृप्ति का अनुभव करें। एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे, एक गहरी लंबी सांस अंदर ले पूरी तरह से छोड़ दे, खाली हो जाए। ओम का नाद करने के लिए गहरी लंबी सांस अंदर ले, ओ
ओम का स्पंदन ही शक्ति है। जब ये शक्ति शांत हो जाती है, स्थिर हो जाती है, मौन हो जाती है, वही शिव है। उसे शिव स्वरूप गुरु शक्ति का आवाहन कर लें। गुरु शक्ति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर ले। गुरु नमः करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। यही शिवा अलग अलग शक्तियों के माध्यम से अपने अस्तित्व का स्तर बनता है। ऐसे अस्तित्व के सारे स्तर उसी शिव की शक्ति से स्फुरण लेते हैं, प्रेरणा लेते हैं। उसी गुरु शक्ति से प्रार्थना कर ले। अपने मुख से निकलने वाली हर एक वाणी, हर एक शब्द, जो भी क्रियाएं और घटनाएं घटित हो रही है वो, और अपने मन के अंदर उठने वाले जो विचार है वो, अपने बुद्धि के अंदर जागृत होने वाला विवेक और अपने स्मृति के अंदर तैयार हो रहे संस्कार, और वह जीव की भावना जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, अहम की भावना, मैं हूं, मेरा अस्तित्व है। उससे अलग अपने आप को मानना,
यह सारे जाने अनजाने अस्तित्व के स्तर गुरु की प्रेरणा से प्रेरित हो, ऐसी उस गुरु शक्ति से प्रार्थना कर ले। यदि सारे बंधन टूट ही गए हैं, मुक्ति मोक्ष का अनुभव हो भी गया है, तो भी बचा कुचा यह जीवन और किसी कारणवश यहाँ पे फिर से लौट के आना पड़े, तो वह जीवन भी गुरु की प्रेरणा से प्रेरित हो, ऐसी प्रार्थना कर ले। वही शक्ति, वही गुरु शक्ति सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, अंदर भी है बाहर भी है, उसी का सानिध्य महसूस करते हुए धीरे धीरे अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हो। स्लोली एंड ग्रेजुअली यू मे ओपन योर आई। जय गुरुदेव। चलिए तो आज के सत्र को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे चुड़ाला आख्यान, जो शिखिध्वज नामक एक राजा थे और उनकी पत्नी चुड़ाला थी, दोनों की शादी हो जाती है, दोनों अपनी अपनी जीवन में बड़े सुख से आनंद से अपनी जिंदगी बिताते रहते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा उनकी जीवन में भी आता है कि उन्हें लगता है कि अपना जो तारुण्य है, अपना जो कांति का तेज है, जरा की तरफ माने वार्धक्य की तरफ बढ़ने की वजह से थोड़ा थोड़ा क्यों ना हो कम होते हुए दिखाई देता है, कम हो रहा है, इसके प्रति वह सजग हो जाते हैं। कई सारे लोग इस बात को मानते ही नहीं है, इस बात के प्रति पूरी तरह से अज्ञान में रहते हैं, इग्नोरेंस में रहते हैं, उनको तो लगता है कभी हम लोग मरने ही नहीं वाले हो, या पता भी होता है तो उस बारे में कभी सोचते नहीं है, बॉदर ही नहीं करते। तो यहाँ पे इनकी जीवन में वह क्षण आ जाता है, उसके बारे में चर्चा भी करते हैं, लेकिन चुड़ाला जो रहती वो थोड़ा इसको थोड़ा सीरियसली लेती है चीजों को, एंड देन वो कॉन्टेम्पलेशन अपने ही आप में उसके बारे में सोचना शुरू कर देती है, सोचते सोचते वह आत्मज्ञानी बन जाती है। तो आत्मज्ञानी बनने के बाद जो उसकी प्रैक्टिसेस रहती है, जो साधना सेवा सत्संग में वो लगी रहती है, उसकी वजह से उसकी जो कांति रहती है, वह कांति में पूर्ववत तारुण्य की जो यौवन की अवस्था होती है, उसी तरह से वह कांति उसकी दिखाई देती है, उसमें वह तेज ओरा वहां पे दिखाई नहीं देता, उसके जो वर्तन जो होता है उसके वर्तन में वह बदलाव सब लोगों को महसूस होता है। तो ये राजा भी नहीं चुकते, शिखिध्वज भी इस चीज को नोटिस करते हैं और प्रश्न पूछ बैठते कि क्या कर रही हो, ऐसा क्या खा रही हो, कोई औषधि तो नहीं मिल गई, कोई सिद्धियां तो नहीं तुम्हें प्राप्त हो गई, क्या हुआ है मुझे भी बताओ। तो जब वो अपने आत्म जो जो उसका आत्मज्ञान उसको प्राप्त हुआ होता है, उसी आत्मचिंतन की वजह से जो होता है वह आत्मनिवेदन, जब वह उनको बताते जब कहती है कि ऐसा ऐसा सब कुछ मैं कर रही हूँ, जैसा आपने बताया ऐसा मैंने कुछ नहीं किया है, ऐसा बहुत कुछ ऐसा नहीं मैंने, दिस इज ये सिंपल सी चीजें मैंने अपने जीवन में की और इसका मुझे अनुभव हुआ। तो जब वह उसको कथन कहती है तो जो राजा होते हैं वो उसको हंस देते हैं, उसकी बात को टाल देते हैं, मजाक में उसको उड़ा देते हैं और बोलते हैं ऐसा भी कभी हुआ है ना, मुझे तो तुम एक पागल के भांति नजर आ रही हो, ये सब छोड़ो, हम लोग जिस तरह से एंजॉय कर रहे थे लाइफ, चलो उस तरह से हम लोग एंजॉय करो। वो किस अभी उनको आत्मज्ञान उसको उनको वो होता ही नहीं है, तो उनको ये बातें करती तो उनको बातें को समझ में ही नहीं आती, उल्टा समझने का प्रयत्न भी नहीं करते हैं, ऐसे प्रश्न भी नहीं पूछते जैसे राम जी ने प्रश्न पूछे वशिष्ठ मुनि को, जानने की इच्छा ही नहीं होती तो जानोगे क्या, फिर ना समझ में क्या आएगा, तो वही उनकी स्थिति होती है। ऐसा कहके वो टाल के इस बात को वहां से निकल जाते हैं। जो अपनी चुड़ाला रहती है उनको आश्चर्य होता है, फिर वशिष्ठ मुनि राम को कहते इस तरह से जब होता है तो थोड़ा चुड़ाला को आश्चर्य होता है, लेकिन उसके बाद में वो कभी भी उस विषय को उनके पास नहीं छेड़ती और उसके बारे में वहां पर बात नहीं करती। तो बोलते ऐसे करते करते फिर वह अपने ही आप में एक दिन उसको अपनी सारी प्रक्रिया जो होती साधना सेवा सत्संग वो चालू रखती है, और एक दिन उसको ऐसे ही मन में ख्याल आता है कि मैंने इतनी बार सब कुछ जगह पे पढ़ा हुआ है कि
लोग आकाश गमन करते हैं, आकाश में भ्रमण करते हैं, चिदाकाश में जाते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। हमने काफी सारी ऐसी स्टोरीज योग वशिष्ठ में भी देखी पड़ी, तो उसको भी ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ होता है क्या। लेट मी गो अहेड एंड ट्राई दिस आउट, मुझे यह जानना है ऐसा अगर होता है तो मुझे इसके लिए प्रयत्न मैं करती हूँ। ऐसा करके एक दिन एकांतवास में वहां पे निकल जाती है, अपना घर छोड़ के एकांतवास में वहां पे जंगल में जाके बैठ जाती है। तो यहाँ पे वशिष्ठ मुनि कहते हैं रामा, इस तरह से जब वो चुड़ाला जलती है उसको राजा हंस के ताल देता है, तो वह इस तरह से अपनी जीवन में आगे बढ़ती है। उसकी जो कल्पना रहती है, उसके मन में जो आता है, उसको आकाश गमन की जो इच्छा हो जाती है, उसको जाके वहां पे एक छोटी सी जगह ढूंढ के वहां पे जाके एक दूर निर्जन स्थान पे जाके वहां पे वह स्थित हो जाती है और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लेती है, अपनी गर्दन को सीधा कर लेती है, अपने शोल्डर्स को एक ही लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में वह जाके बैठती है। तो यह होता है अपना जो इसके पीछे जो विज्ञान है, वह जो कुंडली योग है, वो उसके बारे में आज हम लोग जरूर उसके बारे में जानेंगे, देखेंगे उसके बारे में होते कि ऐसा होता है क्या कि हमें क्यों बोला जाता है। जब भी गुरुदेव अपना हमें ध्यान लेते हैं कि बोलते कि रीढ़ की हड्डी सीधा कर लो, सिट स्ट्रेट, स्पाइन इरेक्ट, शोल्डर को ढीला छोड़ दो, अपनी नेक गर्दन को सीधी कर लो, यह सब कुछ क्यों। बिकॉज यदि ऐसा नहीं करते तो फिर वो जो जो नाड़ियां जो अपने शरीर में पूरी 72,000 नाड़ियां है, तो वो ऐसे ब्लॉक बन जाते हैं। जब आपकी गर्दन ऐसे झुकी होती है तो यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है, जब आप ऐसे बच जाते तो और कुछ ब्लॉक हो जाते हैं, तो वो पूरी तरह से जो शक्ति है वो पूरी तरह से ऊपर ऊर्ध्वगामी जो होते हैं वो उसको जो ऊपर उठना होता है प्राण शक्ति को ठीक से उठ नहीं पाती। यह पीछे उसके पीछे यह ध्यान होता है, यह रीजन होता है। इसीलिए हमें गुरुदेव कहते हैं कि खड़े हो जाओ, मतलब स्ट्रेट हो जाओ, खड़े मन इज नॉट स्टैंड अप, अपना स्ट्रेट हो जाओ, स्ट्रेट ही बैठे रहो। तो यह अभ्यास से होता है। तो पहले पहले हम लोग जो प्रैक्टिस करते थे तो नहीं कर पाते थे, हो जाते हैं नीचे, बट जब प्रैक्टिस करते हैं तो वो प्रैक्टिस से हमें, इसलिए वज्रासन भी, वज्रासन में आपकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से सीधी रहती है। तो ऐसा करने के लिए अपने आप को वो एक रेशा में कर लेती है ताकि उसके जो जो एनर्जी जो है ऊर्ध्वगामी ऊपर की दिशा में, यह जो उत्पन्न होने वाला जो प्राणवायु जो ऊपर की दिशा में जाता है वहां पे वह भूमध्य तक माने अपने आज्ञा चक्र तक वो ध्यान देके वहां पे ही प्राणों का निरोध करके वो आकाश गमन की जो सिद्धि होती है उसके लिए अनुकूल स्थिति होती है उससे जानने के लिए उसका हुआ वहां पे अभ्यास शुरू करती है। तो ये आकाश गमन की जब बात आ जाती है, जब सिद्धि की बात आ जाती है, तो यहाँ पे अष्ट सिद्धियां कही गई है। तो अणिमा करके एक सिद्धि होती है, महिमा करके होती है, लघिमा होती है, गरिमा होती है, प्राप्ति होती है, वाशित्व जो होता है, वशित्व जो होता है वो होती है, प्राक्यम होती है और ईश्वत होते हैं। तो ये एक प्रकार की सिद्धि यहाँ पे कही गई है। इसके बारे में डिटेल चर्चा, डिटेल वर्णन आगे चल के जरूर आएगा, लेकिन अगर इन सिद्धियों के बारे में जानना है, समझना है, इसके डिटेल में ये वर्णन जानना है, तो उसके लिए थोड़ा बैकग्राउंड का होना आवश्यक है। उसीलिए वशिष्ठ मुनि यहाँ पे कहते हैं कि हे राम, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने तुम्हें जब काकभूषण की जो कथा थी उसमें दिया था, लेकिन इसके बारे में अभी इसके थोड़ा और डिटेल में जाके हम लोग उसका और डिटेल में वर्णन यहाँ पे देखते हैं, ताकि जब हम लोग ऐसे कुछ इस बारे में बात करें तो उसके बारे में हम समझ सके। उसके बारे में और भी चीजें तो कहते हैं उसके बारे में कि वहां पे वो जाके कहते, तो यहाँ पे जो प्रभु रामचंद्र जी वो यहाँ पे प्रश्न पूछते हैं, भगवान कहते हैं कि जो प्रयत्नों से जो योगी पुरुष जो रहते हैं वो जो आकाश गमन जो अनिमा गरिमा इत्यादि सिद्धि जो प्राप्त कर लेते हैं उसके लिए किस प्रकार का विशेष प्राणायाम यहाँ पे करते हैं, किस तरह दृढ़ अभ्यास करते हैं, और उसके लिए कुछ विशिष्ट क्रिया और अभ्यास भी होता है क्या, और उसके लिए किन साधनों की जोड़ वहां पे आवश्यक होती है, कृपया करके मुझे इसके बारे में बताएं। तो प्रश्न भी पूछ लिया ना, बड़ी कृतज्ञता से प्रश्न पूछ लिया। फिर प्रश्न पूछा जाता है तो फिर संतों के मुख से ज्ञान निकलता है, यहाँ पे यही होता है। फिर वशिष्ठ मुनि वहां पे बताते कि यहाँ पे वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि जिस तरह से जो होती है सिद्धियां, वो अनिमा गरिमा या जो सिद्धियां होती है वह जो योगी पुरुष होते हैं उनके जीवन में यहाँ पे वह आ जाती। यहाँ पे अब यहाँ पे चार उपाय यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे बताया कि यह सारे जो साधनों में यह चार उपाय है, यह बहुत ऐसे कुछ सिद्धियां होती है तो उनका प्राप्त करने के लिए हेल्प करते हैं। तो उनमें सबसे पहले बताया देश, माने कोई कंट्री की बात नहीं हो रही, देश माने एक विशिष्ट स्थल
जो होता है उस स्थल की बात होती है। हम लोग अपने जीवन में देखते भी है कि अपने घर में जो अपना मंदिर होता है वो विशिष्ट तो जगह पे हम लोग लगते हैं, उसी जगह पे जाके पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वहां पे एक अजीब शांति हमको मिलती है और पूरा आनंद की अनुभूति होती है। हम लोग जब आश्रम में चले जाते हैं, त्रिवेणी आश्रम में चले जाओ या अपने बैंगलोर आश्रम में चले जाओ, कई सारी ऐसी जगह रहती है, वहां पे चले जाओ, वहां पे आप बैठ के ध्यान करते हो तो आपका ध्यान और गहरा यहाँ पे लगता है। तो बोलते स्थान का बड़ा विशिष्ट यहाँ पे महत्व होता है, तो उस स्थान को चुनना भी हमें हेल्प करता है, इसलिए वो निर्जन स्थान पे जाके वहां पे वाइट जगह पे जाके बैठती है। दूसरा बोलते काल, एक जो विशिष्ट जो काल रहता है, जैसे ग्रहण पर्व रहता है, कुंभ पर्व रहता है, ऐसे विशिष्ट काल में यदि हम लोग उस तरह की साधना करते हैं तो उसका फल भी जो होता है, उसका फल भी मल्टीपल टाइम उसका फल वहां पे बढ़ जाता है। तो काल का भी यहाँ पे ये होता है, हमने ये देखा है कि कॉन्शियसनेस के ऊपर कैसे स्थल काल व्यक्ति परिस्थिति का जो होता है उनका सबका, जो अन्न हम लोग खाते हैं उसका सबका प्रभाव यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें भी बताई गई है। तो काल का बोलते हैं वहां पे होता है, उसका प्रभाव होता है। देन उसके बाद में योग, तंत्र और मंत्र, शास्त्रों में जिस तरह से लिखे गए उनकी क्रिया, उनका अभ्यास भी यहाँ पे इसको लाभदायक होता है सिद्धियों को अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए। और बोलते हैं जो द्रव्य, उसके लिए जो विशिष्ट रत्न होते हैं, जो अलग अलग प्रकार की वनस्पति होती है, औषधि होती है, हाँ ऐसे यह जो चार मुख्य, जो चार प्रकार है, इन साधनों का सिद्धि प्राप्त करने में हेल्प होता है। तो यहाँ पे जब इन साधनों की बात करते हैं तो बोलते हैं जैसे शैल्य पर्वत है, मेरु पर्वत है, जो गंगा तट है, ऐसे जो पवित्र सिद्ध स्थान होते हैं वहां पे रह के योग मंत्र जप इत्यादि अनुष्ठान जब कोई करते हैं तो सिद्धि का जो लाभ होता है वह थोड़ा जलद मार्ग में होता है। देन इसको कहते हैं आगे बढ़ाते हैं कि इस तरह से जो कोई जप करते हैं ऐसे प्रदेश में रह के जो मंत्र जाप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उसको यहाँ पे अधिक महत्व यहाँ पे दिया गया है। बोलते इस तरह से जैसे हमने देखा कि कोई काल होता है, समय जो होता है, योग होता है, क्रियाएं इत्यादि प्रयत्न जब पवित्र स्थान की जोड़ उसमें मिल जाती है तो उसका फल फल जो होता है वो अधिक फलदायी हो जाता है। और वो प्रयत्न जितना तीव्र हो, आपकी इंटेंसिटी जो जितना तीव्र संवेगा, नाम ना हमने देखा पतंजलि में कि जब कोई कोई देता तीव्र संवेगा, जब तीव्रता उसमें बढ़ती है, जब एकाग्रता पूरी तरह से यह अधिक फलदायी यहाँ पे होता है। तो बोलते इस तरह से हे रामा, जो तपाधिक होते हैं, सिद्ध होते हैं, उन्होंने अपने जीवन में उनको जो औषधि के बारे में बताते हैं, सिद्ध गुटिका, सिद्धांजन, अंजन माने जो अपने आंखों में हम लोग लगाते हैं, सिद्धांजन, देन सिद्ध खड़क, सिद्ध पादुका। हम लोग अलग अलग देखते हैं ना कि किस तरह से जो अस्त्र शस्त्र रहते हैं पादुका रहती है ना, इसलिए गुरुचरण हम लोग पूरी पूजा जो करते हैं वो गुरु पूजा, गुरु गुरुचरण कमलेभ्यो नमः के नाम से हम लोग सब कुछ उसी को अर्पण करते हैं। तो बोलते यह सारी जो चीजें होती है इनमें वह सिद्धि होती है, अनेक ऐसे साधन होते हैं वो इनके पास यह सिद्धियां उसमें ऑलरेडी तपश्चर्या करके यहाँ पे डाली हुई है, और उसी चीजों को यदि आप आपके पास यदि रखते हो तो वो सिद्धियां आपको भी प्राप्त हो जाती है, उसका प्रयोग भी आप जैसे चाहे वैसा यहाँ पे कर सकते हो। और कहते इसके बारे में डिटेल वर्णन यदि किसी को पढ़ना है तो उड्डान मर तंत्र करके एक स्क्रिप्चर है, एक ग्रंथ है, और योगी योगिनी कल्प करके एक ग्रंथ है, इत्यादि ग्रंथों में इसके बारे में और डिटेल में यहाँ पे वर्णन किया गया है इन सिद्धियों के बारे में, या सिद्धियों को कैसे अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे और एक भी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताते हैं, बोलते हैं रामा आपने मुझे प्रश्न पूछा है, आपके प्रश्नों का उत्तर मुझे देना भी चाहिए, लेकिन इस परंतु इसका जो विस्तार से वो यदि मैं यहाँ पर पूरी चीजें बताने लगा तो जो और मैं कर भी सकता हूँ, मैं इसको करूंगा अभी केला भी इसमें ना, लेकिन जो आपको सुन के जो अज्ञानी होते हैं, जो अर्धवट जिनको ज्ञान होता है, फिर वह लोग इस सिद्धि प्राप्त करने के चक्कर में फंस जाते हैं, उसी के पीछे अपना प्रयत्न इसको लगा देते हैं, और फिर जो तत्वार्थ है, जो अपना रियल जो आत्मद्वार माने वो खुलने के लिए, जो आत्मचिंतन जो हम लोग कर रहे हैं, आत्म ज्ञान प्राप्ति के लिए, उस आत्म श्रवण करने से वह प्रवृत्त ना होते हुए इन सिद्धि और सिद्धि देना देने वाले जो साधन और उनके जो मंत्रों के अनुष्ठान, जो मणि रत्न औषधि इत्यादि जो क्रियाकर्म संबंधी होते हैं उसके प्रति तुम अभी के लिए इतना उत्सुक अपने मन में ना हो।
तो मुझसे उत्सुक हो जाओगे तो जो चीज अपने को मिलने वाली है वो चीज मिलेगी नहीं, और उसके बारे में जब सही वक्त आएगा तब मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा, अभी तुम ज्यादा इसके लिए पूरा उत्सुक ना हो। इसीलिए जो आत्म जो तत्व होता है उसको श्रवण करने के लिए प्रवृत्त होने के बजाय यह सिद्धि और इसके उपयुक्त तो क्रियाकर्म के विस्तार करने के बजे वह तुम्हारे जीवन में वह विघ्न होके आ जाएगा। तो ये हमने पतंजलि जब गुरुदेव में बताते तो वहां पे बताया गया था, ये सिद्धियां जो होती है वो आती है, ये सारी चीजें बहुत ऑब्वियस हो जाती है कुछ आपके प्रयत्नों के बाद, लेकिन आप उसके उसमें उलझने की कोई आवश्यकता आपके जीवन में नहीं है। तो यहाँ पे जो होता है इस तरह से जो सिद्धि का जो फल प्राप्त होता है वहां पे फिर वो प्राणादि जो पवन जो होता है उसके अभ्यास से जो क्रिया होती है वह क्रिया मैं अभी तुम्हें बताता हूँ, उसके बारे में तुम उसका अच्छी तरह से श्रवण करो, ऐसे वशिष्ठ मुनि यहाँ पे प्रभु रामचंद्र जी को कहते हैं। तो बोलते यह जो अलग अलग जो मन की जो वासनाएं जो होती है, ये जो कल्पना जो होती है, यह सब जब हम लोग छोड़ देते हैं, जब अपने जीवन में हम लोग यम अनियम जो कहे गए वह सब इंद्रियों का जो संयम होता है उसको करके अलग अलग जो आसनास होते हैं सिद्धासन पद्मासन, उन आसनों का अभ्यास करके जब अपना रीढ़ की जो हड्डी होती है उसको सीधा रख के मस्तिष्क और अपनी जो नेक गला रहता है उसको एक रेशा में धारण करके नासिका के जो अग्रभाग होता है वहां पे दृष्टि करके बैठने का जब हम लोग अपना प्रयास करते हैं स्वाध्याय करते हैं सराव करते हैं, देन पचनों जो अपने को पचने के लिए जो सुलभ है उस तरह का सात्विक अन्न हम लोग खाते हैं। हाँ, योग शास्त्र में जो बताई हुई सारी जो चीजें जो योगाभ्यास है उसका योगाभ्यास करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, और जो सज्जन होते हैं उनके समागम में हम लोग रहते हैं। तो इस तरह से आचरण जब कोई करने लगता है चीजों को यह करता है सभी चिंताओं से मुक्त त्याग करके निष्काळजी होके जो निरपेक्ष होके कोई भी अपेक्षा को ना रखते हुए जब कोई प्रयत्न करता है तो हे सुव्रत रामा इनका इंद्रिय शांत होने लगता है, मनोविकार क्षीण होने लगता है और वही भोग की इच्छा भी इनके यहाँ पे नहीं टिकती नहीं रहती। ऐसे जो योग से ऐसे जो पूरक रेचक कुंभक रूप प्राणायाम का जो अभ्यास करते हैं उस उनका फिर प्राण ही उनको एक नौकर के भांति वहां पे उनके कंट्रोल में वहां पे आ जाता है और उस उससे जो उस उनकी आज्ञा का वो वर्तन करता है। ऐसे अभ्यास करने से वह प्राणों का तुम स्वामी बन जाते हो। यहाँ पे इस तरह से कहते फिर आगे चल के वर्णन करते हैं कि जो पवन विजय माने जो सांस के ऊपर जो कंट्रोल करना जान लेते हैं और उसके बारे में एसोसिएटेड कुंडलिनी विज्ञान की बात यहाँ पे बताते हैं। तो बोलते हे राघवा ये जो राज्य प्राप्ति होती है उससे मोक्ष तरह की जो तक की जो बात होती है वह सर्व सिद्धि सर्व शक्ति मनुष्य के शरीर में जो प्राणवायु होता है उससे संबंध इसका होता है और उसी प्राणवायु को यदि वश कोई कर लेता है तो वह योगियों को यह सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। नो? कारण कि यह प्राण ही होता है, यह सर्वगत जो होता है चैतन्य होता है उसी का यह भाग होता है और यह जब प्राण के ऊपर विजय कर लेते हैं तब जो सर्वगत चैतन्य होता है वो सब जगह पे जो प्रवेश करता है वो स्वेच्छा रूप से वहां पे अलग अलग जगह पे विहार कर पाते हैं, भ्रमण कर पाते हैं, आकाश गमन कर पाते हैं। तो इसमें कौन सा बड़ा नवल है, कौन सी बड़ी बिग डील, नो बिग डील। तो इस तरह से यहाँ पे बोलते हैं हे रामा यह जो एक अंदर जो सारी जो प्रक्रिया है यह मैं तुम्हें यहाँ पे बताता हूँ। इसके बारे में मैंने थोड़ा प्राण के बारे में चिंतन जो है वो अजर अमर है, उसके जो अजर अमर जो थे वो भूषण नामक जिनकी कथा मैंने तुम्हें इसीलिए वहां पे भी मैंने इसके बारे में थोड़ा वर्णन किया था, यहाँ पे थोड़ा और इसका डिटेल में वर्णन यहाँ पे देख लेते हैं कर लेते हैं। तो हमने उस सत्र में भी इसके बारे में देखा था किस तरह से हमने अलग अलग प्रकार की नाड़ियां होती है अपने शरीर में, बायोलॉजिकल रूप में यदि देखे तो वहां पे अपने शरीर में वेगस नर्व होती है जो लॉन्गेस्ट नर्व होती है, कैसे वह अपने ब्रेन से निकल के अपने गले से होते हुए 10th क्रैनियल नर्व भी इसको कहते हैं वहां से होते हैं अपने हृदय को कनेक्ट करती है, अपने नाभि को भी कनेक्ट करती है, अपने सारे लंग्स को भी आपके पूरे शरीर में वो वेगस नर्व कनेक्ट करती है। बायोलॉजिकल स्वरूप में देखा, अपने आध्यात्मिक स्वरूप में देखा जो लेफ्ट साइड की जो अपनी होती है वह अपनी चंद्र नाड़ी होती है, जो राइट साइड में होती है वह अपनी सूर्य नाड़ी होती है, वो जो लेफ्ट नासिका से चंद्र नाड़ी एसोसिएट होती है, राइट नासिका से अपने को यहाँ पे सूर्य नाड़ी एसोसिएट होती है, चंद्र नाड़ी अपने को शीतलता प्रदान करती है, सूर्य नाड़ी अपने को ऊर्जा प्रदान करती है, दोनों का जो बैलेंस जो है शरीर में वह सुषुम्ना नामक जो रहती है वह नाड़ी
सुषुम्ना नामक जो नाड़ी रहती है वो सुषुम्ना नामक नाड़ी यहाँ पे करते हैं। तो बोलते हैं वह बैलेंस होती है, फिर ऐसे 101 नाड़ियां होती है और उसके जो ब्रांचेस जो होते हैं वहां पे 72,000 नाड़ियां जो होती है होती है। यही से जो अपनी प्राण की जो शक्ति रहती है वो प्राण की शक्ति अपने पूरे शरीर में यहाँ पे वो बहती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है इस तरह से यहाँ पे कहते हैं। तो फिर बोलते हैं कि जो मूलाधार चक्र होता है अपना, जो मूलाधार चक्र है वही पे जो अपनी कुंडलिनी जो होती है वो कुंडलिनी 3.5 मतलब 3.5 जो वेड़ा होता है जो चक्राकार जो होती है घूमती रहती है ऐसे वहां पे 3.5 चक्र लगा के वहां पे वो स्थित होती है। ये कोई फिजिकल नहीं है कुंडलिनी, कोई फिजिकल कोई आपके शरीर का भाग नहीं है, यहाँ पे कुंडलिनी शक्ति है और वो कुंडलिनी शक्ति इस तरह से सर्पाकार आकार में वहां पे स्थित होती है इस तरह से यहाँ पे इसको कहा गया है। तो अपना जो स्पाइन है अपनी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसका जो बेस होता है उसको मूलाधार कहते हैं और यहाँ पे अलग 114 चक्र भी होते हैं, जो 112 चक्र अपने शरीर के अंदर और शरीर के बाहर 2 चक्र, ऐसे जो अलग अलग 114 चक्र है उसमें से जो प्रमुख जो चक्र है वो है अपने 7 चक्र, जो अपना मूलाधार चक्र होता है बेस ऑफ द पाइन। ऊपर थोड़ा चले जाते हैं तो उसके पीछे जननेंद्रिय के पीछे जो होता है स्वादिष्टान चक्र, वही ऊपर आ जाता है नाभि के पास मणिपुर चक्र कहलाता है, वही ऊपर आके अपने छाती में हृदय के पास वो हार्ट चक्र या अनाहत चक्र कहलाता है, उसके ऊपर गले में चले जाते हैं तो वो अपना विशुद्ध चक्र कहलाता है, और थोड़ा ऊपर चले जाते हैं भूमध्य में दोनों भुवया के अंदर जो कहलाता है वो आज्ञा चक्र कहलाता है, और उसके ऊपर जब सिर की चोटी पे चले जाते हैं तो वो सहस्त्रार चक्र। तो यही कुंडलिनी शक्ति रहती है, यह कुंडलिनी शक्ति जो मूलाधार में स्थित होती है प्राणों का स्पंदन होता है, तो वो प्राणों के स्पंदन से वो अलग अलग रूप में अलग अलग शक्ति के रूप में कुंडलिनी यह स्थित होती है, जो स्थिर होती है तब शिव अवस्था में होती है, जब स्पंदित होती है अपने जीवन में तो अलग अलग शक्तियों के माध्यम से अलग अलग जगह पे यह अपने आप को यहाँ पे व्यक्त करती है। यही शक्ति होती है जो अलग अलग इमोशंस अलग अलग भावनाओं में भी अपने आप को यहाँ पे व्यक्त करती है। जो हमने यदि कहते हैं तो बेसिकली जब आप एडवांस कोर्स करते हो तो इसके सारे चीजों के बारे में गुरुदेव वर्णन भी करते हैं, जो नासिका का अग्रभाग ऐसे कई सारे ध्यान जो काली होना है ये सारी चीजें एडवांस कोर्स में आपको यहाँ पे जो हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं चर्चा कर रहे हैं इसका प्रैक्टिकल ज्ञान यदि किसी को लेना है तो जरूर वो अपना आर्ट ऑफ लिविंग का एडवांस कोर्स कर ले, सारा प्रैक्टिकली आपको अनुभव के रूप में यहाँ पे आपको समझ में आएगा उतरेगा। तो सारी चीजें आ जाती है, अपना बेसिक कोर्स भी आ जाता है, एडवांस कोर्स भी आ जाता है, अपना संयम भी यहाँ पे आ जाता है, ये सारी चीजें डिटेल में देखेंगे तो वर्ण में तो उसका सारा चीज यहाँ पे उसका उल्लेख यहाँ पे हो जाता है। तो बोलते यह जो सेम कुंडलिनी चक्र जो जब अपनी नाभि में होते हैं तो उसको पश्यन्ति यहाँ पे कहा जाता है, उसी शक्ति को यह जब ऊपर उठ के जब हृदय में आ जाती है इसको मध्यमा कहा जाता है, जो वहां से उठ के यह जब आपके कंठ में जब आ जाती है तो कंठ से मुख जब होती है वहां से बाहर निकलती है तो इसी को वैखरी या वाणी के रूप में, इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना तो बोलते भी ना मेरे शब्द मेरी वाणी वह उन्हीं की प्रेरणा से हो ना, वही से वो सोर्स तो एक ही है उन्हीं की प्रेरणा होती भी है तो उसी के प्रति कृतज्ञता करते हैं, उसकी प्रार्थना भी यहाँ पे व्यक्त करते हैं। तो बोलते ये जो अखंड जो स्पंदन का कारण जो रहती है वह कुंडलिनी शक्ति, या कुंडलिनी शक्ति ही होती है जो अलग अलग रूप में अपने आप को यहाँ पे व्यक्त करती है। ये थोड़ा सा पोर्शन जो भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये थोड़ा काकभूषण की जो कथा थी वहां इसका वर्णन नहीं करता, यहाँ पे वशिष्ठ मुनि वो एडिशनल वर्णन यहाँ पे कैसे करे कि अपने अस्तित्व के सारे जो स्तर रहते हैं वो अस्तित्व के सारे स्तर हमने देखे ना आर्ट ऑफ लिविंग का बेसिक कोर्स करते हो तो उसके बारे में आपको अनुभव रूप में आपको अपने सारे स्तरों का अनुभव यहाँ पे आपको दिलाता है, तो जरूर आप जब भी वक्त आएगा तो आप इस प्रोग्राम जरूर कर लेना। तो यहाँ पे जो कुंडलिनी शक्ति होती है वही अपने आप को ही अस्तित्व के सारे जो स्तर होते हैं उसमें वहां पे अपने आप को यह व्यक्त करती रहती है। जो बाह्य होता है वो जो पंच महाभूत होते हैं उससे उत्पन्न जो सृष्टि होती है, वो जो अंतर जो होता है जो अपना अंतकरण होता है वहां पे मन बुद्धि अहंकार और चित्त इसका उदय यहाँ पे कुंडलिनी की उदय से ही कुंडलिनी से ही यहाँ पे कैसे होता है उसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ, उसको थोड़ा आप गौर से देखो सुनो।
इसमें थोड़ा और डिफरेंस आता है जो हमने देखा है कि हम लोग अक्सर जो चित्त है उसी को मन भी कहते हैं, है तो सारी एक ही बात, लेकिन यहाँ पे मन को थोड़ा अलग भी कहा है। और चित्त को जो अपनी स्मृति जो रहती है ना, जिसको हम लोग मेमोरी कहते हैं, उसके साथ भी चित्त को जोड़ा गया। इसलिए जब हैप्पीनेस प्रोग्राम में हम लोग इमोर्टेलिटी प्रोसेस करते हैं, बोलते हैं अपने चित्त के माने अपनी मेमोरी को, उसको चित्त कहा, अपने चित्त को हमने घुमाया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो चित्त और जो मन है वो थोड़ा एक साथ ही है, थोड़ा अलग अलग भी इसको कभी कभी बोलते हैं, तो देर इज नो नीड टू गेट कंफ्यूज अबाउट इट। अरे अच्छा, वो जो चित्त जो कहते हैं हम लोग, चित्त अलग चीज है, वो चैतन्य वाला चित्त है। चित्त मने यहाँ पे हम लोग जो चित्त जो मेमोरी स्मृति और जो मन, इसको भी हम लोग चित्त के रूप में यहाँ पे कहते हैं। वो चित्त अलग चीज है, चित्त अलग चीज है और चैत्य अलग चीज है। ये अलग अलग वर्ड्स होते हैं, तो कभी कभी पढ़ते समय कंफ्यूजन हो सकता है, तो कंफ्यूज ना हो उसके बारे में। तो बोलते हैं जो हृदय में जो स्थित होती है, जो हृदय में स्थित होने वाला जो प्राण होता है, वो कुंडलिनी के स्थान पे जब जागता है, तो यह जो पंच महाभूतों से जो सूक्ष्म होता है, जो अमिश्र जो रूप होता है, पंच तन्मात्र, हमने देखा ना पंच तन्मात्र जो उत्पत्ति प्रकरण आया था, हमने देखा कि रस गंध स्पर्श, अपने जो सारे पांच सेंसेस रहते, उनके जो सारे जो तन्मात्र होते हैं ना, रूप जो देखते हैं वह, गंध जो होता है वह, टेस्ट जो होता है वह, स्पर्श जो होता है वह, और जो सुनते हैं शब्द, तो ये शब्द रूप गंध ये सारे जो होते हैं पंच तन्मात्र होते हैं, वह पंच तन्मात्र या जो उससे उत्पन्न होने वाले जो त्रिगुण जो होते हैं, जिसको हम लोग त्रिगुण अपने शरीर में तमस रजस सत्व, ये जो तीन गुण जो होते हैं उससे उत्पन्न होते हैं, यह अंतकरण में यह जो स्पंदन होते हैं, यह कुंडलिनी शक्ति की वजह से ही यह सारे जो गुण, यह सारे जो अस्तित्व के स्तर जो होते हैं यहाँ पे उत्पन्न होते हुए दिखाई देते हैं। इससे सबसे पहली जो होती है वो अवेयरनेस, जिसे हम लोग जानी कहते हैं, वो जानी, वो अवेयरनेस कैसे वो स्फुरन होता है, बोलते उसी से वह होता है, और कुंडलिनी शक्ति से यह अवेयरनेस शक्ति प्राण शक्ति ऊपर उठती है, तो अवेयरनेस वहां पे जाता है। जब हम लोग उसको स्मरण रूप में कहते हैं तो उसको हम लोग चित्त कहते हैं, जब उसी वो संकल्प विकल्प के रूप में आ जाता है, विचारों के रूप में आ जाता है, तो उसी को हम लोग मन कहते हैं, बोलते यह अमुक पदार्थ है, यह तमुक पदार्थ है, इस तरह से उसको जब विवेक लगाता है, डिस्क्रिमिनेट करता है, तो उसी को हम लोग बुद्धि कहते हैं। और यही जो होता है मैं के उनकी भावना यह कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठा के प्राप्त कर लेती है, तो उसी को हम लोग अभिमान कहते हैं। यही कुंडलिनी शक्ति अपने अलग अलग चक्र जो अलग अलग एनर्जी सेंटर्स रहते हैं उसमें जाते हैं, तो इसी राग के रूप में या प्रेम के रूप में हमने सारे देखे ना, कैसे किस तरह से ऊपर से लेके वही इनर्शिया, वही उत्साह, ऊपर चल के वही काम वासना और वही क्रिएटिविटी, ऊपर चल के वही जो जेलेसी होती है वह, और वही चल के जिनरासिटी जो होती है उदारता होती है वह, ऊपर चल के वहां पे हेट्रेट द्वेष, और वही ऊपर चल के प्रेम जो अनाहत चक्र में आती है, वही ऊपर चल के ग्रीफ दुख सारो, और वही वहां पे कृतज्ञता, ऊपर चल के वही एंगर या फुल अवेयरनेस जो जानी, जिसको फुल अवेयरनेस अलर्टनेस ना होता है वह इंटेलिजेंस वो, और ऊपर जाता है तो पूरी तरह से ब्लिम, पूरी तरह से नो। तो ये सारी जो सेम कुंडलिनी शक्ति ही है, यह अलग अलग फॉर्म में अपने आप को अलग अलग स्पंदनों में, अलग अलग भावनाओं में, अलग अलग रूप में, अलग अलग चीजों में अपने आप को ही यहाँ पे व्यक्त करते हुए यहाँ पे दिखाई देती है। तो यहाँ पे वशिष्ठ मुनि कहते हैं, हे रामा, जिस तरह से कमल के अंदर जो भ्रमर होता है, वही इसी तरह से देह के अंदर यह कुंडलिनी शक्ति स्फुरण होती है, और इसी की वजह से जब जब यह प्राण जो होता है यह क्रिया शक्ति बुद्धि अंतकरण में होता है, तो वहां पे ही इसका ज्ञान शक्ति का भी उदय हो जाता है। तो यहाँ पे इंद्रियों की बात आ भी आती है, तो जो अपना इंद्रिय होते हैं और इंद्रियों की जो जानने की जो शक्ति होती है, जो ज्ञान शक्ति होती है, वह भी कुंडलिनी के शक्ति के रूप में माध्यम से ही देखा है। तो बोलते हैं इंद्रियों में जो उत्पन्न होती है, जो इंद्रियों में जो उत्पन्न होती है, जो इच्छा शक्ति, कुछ करने की जो इच्छा होती है मन में, जो संकल्प और विकल्प होते हैं, वह जो इच्छा शक्ति रहती है, वो इच्छा शक्ति का रूप भी है कुंडलिनी शक्ति। यहाँ पे धारण कर लेते हैं, जो विचारों के फिर विषयों में संचार करती है, जो वृत्ति होती है वह उसी से ही वहां पे होती है। लेकिन उसके बाद में कहते हैं कि उसको ही सहज, उसको उस वृत्ति को धक्का न लगती हुई जो ग्रहण करते हैं, वो करने वाले चक्षु और इतर इंद्रिय जो होते हैं वहां पे, जो इत्य होता है उसी का यहाँ पे, उसी कुंडलिनी शक्ति का यहाँ पे उदय होता है, और जो होते
वो जो जीव होते हैं वो पूर्व कर्मानुसार उनको जो भोग प्राप्त होते हैं उस भोग को अनुरूप सामग्री और आकार और इंद्रियों की जो रचना होती है अलग अलग तरह से, यही कुंडलिनी शक्ति उसकी वह इस तरह से बन जाती है। जो प्राणी जो होते हैं, जो विषय होते हैं, उनके जो आकर्षण होता है उसके प्रति जो इच्छा होती है वो इच्छा शक्ति भी यही कुंडलिनी शक्ति यहाँ पे बन जाती है। तो बोलते यह रामा, यह जो कुंडलिनी शक्ति जो होती है यह अपने मूलाधार में यहाँ पे वही जानी जो होती है वह पुरुषों में इंद्रियों की प्रवृत्ति में होती है, और जो हृदय कोष होता है वहां पे यह जो नाड़ी रहती है वहां पे उसका नाड़ियों का सब द्वार रहता है। तो हमने देखा ना कि किस तरह से हृदय जो रखता है वहां से जो अपनी सारी धमनियां जो रहती है, जो नाड़ियां रहती है वो यही से ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पे जाता है, पूरे शरीर को ऐसे ब्लड सर्कुलेशन होता है, और फिर वो रुकने के बाद जो पूरा ब्लड फिर से वहीं पे आके उसी हृदय में होता है, तो सारे हृदय से निकल के फिर से हृदय में आ जाते हैं। तो इसी बारे में कहते हैं कि यह अपने हृदय से ही निकल के यहाँ पे हृदय में ही फिर से यह जो होता है उसी कुंडलिनी शक्ति का इससे सारे नाड़ियों से भी संबंध होता है, और इसका जो विस्तार होता है वह पूरा अपने शरीर में होता है। और यह कुंडलिनी की जो प्राण शक्ति होती है ये जो ऊर्ध्वगामी होती है जब अपना प्राण ऊपर निकलता है, और यह अधोगामी होते हैं जब अपना हम लोग अपान अपने शरीर में लेते हैं। तो इसको ही कहते हैं जब यह कुंडलिनी शक्ति जो अपने आप को उसको नीचे खींचती है तो वो अपान के रूप में थे, जब हम लोग ब्रीथ इन करते हैं नासिका तक और उसके बाद में नासिका के बाद वह पूरा डायरेक्शन जो होता है वो नीचे जाता है ना, तो इसलिए अधोगामी उसको कहते हैं। और जो जिस सर्प जिस तरह से फुत्कार करता है उसी तरह से यह कुंडलिनी शक्ति भी जब फुत्कार करती है तो वो प्राण को ऊर्ध्वगामी जो ऊपर की दिशा में इसको कंटिन्यूअसली एक फुत्कार के रूप में यहाँ पे ऊपर उठाती रहती है, भेजते रहती है, इसी को स्पंदन भी कहते हैं। तो बोलते ऐसे ही होता है, इस तरह से इसका जो स्पंदन है वह स्पंदन कंटिन्यूअसली अपने शरीर में यहाँ पे चलते रहता है। तो यहाँ पे फिर उसके मुख्य चक्रों की भी जो गति होती है, जो सारा जो अपने शरीर में चलते रहता है उसकी जो गति रहती है, उसकी जो क्रिया रहती है, उसका जो काम चालू रहता है, उसी प्रमाण से इसी जो जो शरीर में जो नाड़ियां रहती है जो होती है उसकी सतत प्रक्रिया यहाँ पे वायु के जो स्पंदन होते हैं उसकी वजह से यह कार्यरत होती है और कंटिन्यूअसली यहाँ पे चलती है। तो होते ये रामा ऐसे जो कुंडलिनी होती है इसका जो मूल स्पंदन होता है यही सभी प्राणियों में समान होता है, भले ही उनकी आकार बुद्धि शक्ति अलग अलग क्यों ना हो, छोटी हो या कम हो, लेकिन उनमें सब जगह पे वह कुंडलिनी शक्ति स्थित होती है, इसीलिए इसको सामानी के रूप में भी इसको जाना जाता है। मतलब यही कुंडलिनी शक्ति जब कल्पना के रूप में व्यक्त करती है तो इसको कला कहते हैं, यही कुंडलिनी शक्ति जब चैतन्य के रूप में देखी जाती है तो इसको हम लोग जीव कहते हैं, यही कुंडलिनी शक्ति जब मनन करती है इसलिए इसको मन कहते हैं, यही कुंडलिनी शक्ति में बोध शक्ति जब जागृत हो जाती है तो इसको हम लोग बुद्धि कहते हैं, और यही कुंडलिनी शक्ति जब अपने आप को अलग समझती है तो उसको अहंकार अहम हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे इसी कुंडलिनी शक्ति को पंच महाभूत जो पांच होते हैं उसके बाद में मन बुद्धि अहंकार इस तरह के आठ जो तत्व होते हैं उस आठ तत्वों को भी यह जो देह में स्थित होती है अच्युत्यम होती है श्रेष्ठ होती है, तो वही जीव शक्ति वहां पे रह के यही कुंडलिनी शक्ति यहाँ पे रहती है। तो फिर उसके बाद में वायु की जो गति रहती है और जो व्याधि की जो उससे उत्पत्ति होती है उसके बारे में यहाँ पे प्रभु रामचंद्र जी उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे फिर से वो बात आ जाती है कुंडलिनी शक्ति जो होती है अपान करती है जब वो नीचे के डायरेक्शन में जाती है, जो कुंडलिनी शक्ति जो वो समान रहती है जो अपने हृदय में रहती है तो उसको नाभि में स्थित वो उसको समान वहां पे कहा जाता है, और बोलते जब वो ऊपर जाती है नाभि के ऊपर तो उसको वहां पे उदान कहते हैं। तो हमने देखा ना पंच प्राण जो होते हैं कि अपना जो अंदर जाने वाला अपान, बाहर जाने वाला प्राण, और फिर व्यान समान और उदान, ये जो पंच प्राण हमने देखे, तो जो व्यान रहता है और जो समान रहता है वह उस जो ली हुई अपार से जो एनर्जी अपने को उत्पन्न होती है उसको अपनी पूरे शरीर में वह उसको डाइजेस्टेबल माने न्यूट्रिशन में कन्वर्ट करने का जो कार्य होता है, जो सोखने का कार्य होता है वो व्यान और समान वहां पे करते हुए दिखाई देते हैं। तो बोलते यही कुंडलिनी शक्ति है जो पूरी तरह से यदि अपान में यदि घुस जाए तो फिर बाहर से अपने नीचे से वो बाहर निकल जाएगी, और सिर्फ प्राण के साथ यदि रहेगी तो वो प्राण के साथ भी बाहर निकल जाएगी। तो बोलते वह जो अपने शरीर में जो मध्यमा रहती है वहां पे जो स्थित रहती है वो उसको वो रोक के रखते हैं, लेकिन इधर भी नहीं जाने देती उधर भी नहीं जाने देती, अलग अलग जगह पे फैलती है लेकिन पूरी तरह से उसको नष्ट नहीं होने देती। तो बोलते यह जो ये समान वृत्ति जो होती है उस वृत्ति का वहां पे निरोध करके वो जो देह में रहती है उसके लिए देह में वह बनी रहती है। तो
तो प्राण अपान जो रहते हैं वर्क ऊपर नीचे बाहर जो चलते रहता है, जिसकी वो गति रहती है, वो जो वायु रहता है उस वायु की गति से ही यह मन बुद्धि अंतकरण इंद्रिय इनके सारी जो गति रहती है, जो स्पंदन रहते हैं यहाँ पे वो चलते रहता है। और आप जब उसका निरोध कर देते हो, उस मिलनी शक्ति को ऐसे जागृत करके उसको स्थिर कर देते हो ना सहस्त्रार चक्र में बिल्कुल स्थिर, तो वो फिर आनंद की वहां पे स्थिति को व्यक्ति को ही पार कर लेता है। तो यहाँ पे प्रभु रामचंद्र जी वहां पे प्रश्न पूछते कि आपने इसकी जो चर्चा की कुंडलिनी शक्ति के बारे में बताया, आपने वायु की गतियों के बारे में बताया और आपने व्याधियों का भी यहाँ पे उल्लेख किया, तो कृपया करके वशिष्ठ मुनि कृपया मुझे मार्गदर्शन करे, मुझे बताए कि कैसे यह प्राण की जो गति होती है उससे रिलेटेड ये जो कुंडलिनी शक्ति होती है इसके प्रभाव से किस तरह से जो अपने शरीर में अलग अलग प्रकार की व्याधियां आदि व्याधि जिसको कहा जाता है यह उत्पन्न हो जाती है, और उन आदि व्याधि उत्पन्न ही ना हो उसके उपाय क्या है, जब उत्पन्न हो जाती है तब उसके उपाय क्या है, कृपा करके मुझे मार्गदर्शन करके मुझे इसके बारे में बताएं। तो यह जो सारी चीजें इसका डिटेल वर्णन कल जो आएगा उसके कल के सत्र में हम लोग इसको देखेंगे कि किस तरह से आदि व्याधि उत्पन्न हो जाती है, किस तरह से जो हम लोग जो रोग कहते हैं वो कैसे साइकोसोमैटिक होता है, कैसे शरीर के लेवल पे तो बाद में दिखता है लेकिन वो पहले ही कैसे अपने ओरा के लेवल पे अपने मन के ऊपर वो सारे चक्र वहां पे जो चलते रहते हैं, जो सारी प्रक्रिया वहां पे स्पंदन चलते हैं उसी लेवल पे यदि उसको रोक लिया जाए तो वो शारीरिक स्वरूप में आएगा ही नहीं। इस तरह से जो ज्ञान है उस ज्ञान को हम लोग थोड़ा कल में डिटेल में देखेंगे, और इसके बाद में फिर जब ये सारा बैकग्राउंड वशिष्ठ मुनि सेट कर देते हैं तब जाके फिर जो सिद्धियां जो होती है हमने देखा अनिमा गरिमा जैसे आकाश ये सारी सिद्धियों के लिए भी किस तरह से अभ्यास होता है थोड़े थोड़े वर्णन वो भी बाद में आएंगे, तो उसके बारे में डिटेल में चर्चा हम लोग उस वक्त इसके बारे में करेंगे। तो आज के लिए इस सत्र को मैं यहाँ पे अपने तरफ से रोक लेता हूँ, इस सत्र को आपके हवाले कर देता हूँ। आपके मन में यदि इसके बारे में कुछ प्रश्न है तो जरूर आप इसके बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं ताकि चर्चा इसके ऊपर हो, ब्रेनस्टॉर्म सेशन हो और कुछ मन में कुछ शंकाएं तो वो शंकाएं दूर हो जाए। आपने आज के सत्र से क्या सीखा उन टेकअवेज के ऊपर भी हम लोग प्रश्नोत्तर का सत्र खत्म हो जाएगा तो उसके ऊपर टेकअवेज के ऊपर जाएंगे रोज की तरह, जो राउंड बाय राउंड एक एक अपना शेयरिंग अपना करके हम लोग कंट्रोल दूसरे के हाथ में पास ऑन कर देंगे और वो भी अपने आपको यहाँ पे व्यक्त कर सकते हैं, इस तरह से चर्चा सत्र को आगे बढ़ाते हैं। अपनी वाणी को यहाँ पे मैं विश्राम दे देता हूँ, इस सत्र को आपके हवाले कर देता हूँ। जय गुरुदेव। अनम्यूट का ऑप्शन यहाँ पे अभी खोल दिया गया है, आप खुद ही अनम्यूट होके यहाँ पे जरूर जरूर चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव संगीता जी। या दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल सेशन रिगार्डिंग कुंडलिनी, और इतना वास्ट, इतना बड़ा सब्जेक्ट है नो इन तंत्र, कुंडलिनी इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट एंड जितना भी बोला जाए दैट इज वेरी लेस बिकॉज इतने सारे बुक्स है कि यू नो हाउ इट इज दैट इट इज ऑल्सो कॉल्ड दैट सर्पेंट पावर विच इज वेरी डोरमेंट, मतलब यू नो वो शक्ति जो सोई हुई है उसको जब हम जगाते हैं तो वो शिव और शक्ति का जो हम हमेशा बोलते हैं यू नो दैट यूनियन ऑफ शिव एंड शक्ति दैट इज वॉट इट इज एक्चुअली। सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट एंड of course you took it very beautifully, very nicely narrated everything, but then still it is just that coiled power, that sleeping serpent which has to be upon awakening, you know, when it awakens it gives you the results in self awareness and spiritual growth, so that is what it is. And it is also called the divine feminine energy which is located at the spine. So all this we can, you know, with the regular practice, that is why it is said, you know, with the regular practice of mantra, tantra, yantra, asanas, meditations, all this helps you to, you know, वो जागृत करने में वो हमको मदद करती है, and it is
also the concept of Shaiva Tantra, you know, it is the most important concept. So that is that yin and yang when it comes, that Shiva and Shakti, that which is gives you the balance in your body. And of course, there are many more things also in this. If you go to see deep inside, the studies is a very vast subject about it. So my first takeaway to be, in short, giving others also a chance to talk on it. My takeaway is regarding all the Kundalini. This is my favorite subject, actually. I love reading it about it. So I've gone through many of the books also in that. And it is so beautiful when it really rises up, you know. Then that experience, this is all the knowledge what you share. But when you experience that, then it is what we are here for. So thank you for letting me give my takeaway here. And over to all of you, Sanjay ji, everybody, Shalaka ji, I can see Jayashree ji, they can also give their takeaways. Absolutely. And just to add here, Sangeeta ji herself is a spiritual healer. She is also quite in touch, not today or tomorrow. It's like quite a long time. She's been also into Reiki. So I'm definitely sure that Sangeeta ji will have many more pearls to share with us, you know, from the perspective of healing, from the perspective of jab hum log kal bhi iska ye subject aayega aadhi aur vyadhi ka, aur kis tarah se jo healing hoti hai wo sirf aushadhon se ya bahar ki cheezon se nahi hoti hai na, there is andaruni healing jo hota hai, wo uska jo charcha satra kal hoga uske bare mein zarur Sangeeta ji se gyan hame prapt hoga. Ye hamari vinanti rahegi Sangeeta ji, kindly to share those perspectives tomorrow. Sure, very beautiful, my pleasure. Yeah, and it's a very, very beautiful and a deep concept. Once you understand that, you can heal yourself on the mind level rather than coming on the body. That is what you said now. So all the healings are happening on the mind, because mind is a thing. Now, as we see in Yoga Vasishtha, it is mind that is manifesting everything for you, isn't it? So the subconscious gives you everything on the plate, but it is what you ask for. That is the point. So that power, when you have to ask what you want exactly, the subconscious is giving you everything. So now if you're getting the things, you know, like some negative things, so remember ki it is from your mind only that raw material is going inside and the final product is coming out. That's what it is. It's so simple. So we will see into that. Thank you very much, Someshwar ji. हाँ संजय जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आज का सेशन तो कंप्लीट डिफरेंट है, अचंभित करने जैसा आज का सेशन सुन रहे तो अभी रेकी के मास्टर है संगीता जी, उनसे भी कुछ सुनना चाहेंगे, कल जरूर सुनेंगे उनका. आपने भी आज बहुत अच्छा गाइडलाइन दिया है. अभी हम ये सब कर रहे थे लेकिन क्यों कर रहे थे पता नहीं था. गुरुदेव ने प्रसाद में इतना मस्त आगे बढ़ाते गए हैं, बढ़िया है. एक्चुअल अपान व्यान समान उदान और प्राण, ये वायु का चलन हमने पहले भी प्रैक्टिस किया है. पहले एक भूषुंड की कथा में अच्छी तरह से हुआ, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से डिटेल्स में आधि व्याधि के तक ये समझाया गया. और रेकी में संगीता जी बोल रहे थे वो तो हम तो नहीं जानते, अभी हम इसमें और चर्चा करना चाहेंगे, आपसे सुनना चाहेंगे. ये जो भी देख रहे एक आश्चर्यजनक है हर चीज. आदि व्याधि तक और हर चीज इस पे अच्छा गहन मंथन ही करना पड़ेगा, अनुभव और प्रैक्टिकल के साथ साथ. इतना कहूंगा बस, मेरे लिमिटेशन से इसमें मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ, तो प्रैक्टिस करना जरूरी है और हर बात पे ध्यान भी देना जरूरी है. जैसे जैसे पढ़ रहे सुन रहे हैं तो एक नए नए दृष्टिकोण इसमें मिल रहे हैं. चलेंगे, कोई बात नहीं, हम इसमें और मंथन करेंगे और सुनना चाहेंगे. जय गुरुदेव. जय गुरु संजय जी. कल का सत्र हुआ था तो मैंने कहा था कि हम लोग कुछ नहीं जानते, आप सब कुछ जानते हैं संजय जी. ये सारी चीजें गुरुदेव ने बताई हुई है. गुरुजी एक्चुअली बताई भी नहीं है कह सकते, तो एटलीस्ट वी आर गोइंग थ्रू इट.
यदि आपने हैप्पीनेस प्रोग्राम किया है, एडवांस प्रोग्राम किया है, संयम किया है, तो ये सारी चीजें आपने एक्चुअली प्रैक्टिकली कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं कि आप जानते नहीं, आप तो खुद तो आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर हो, हमारे लिए तो गुरु स्वरूप ही हो, तो आप तो जानते हो सब कुछ ना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं जानते, यू नो एवरीथिंग। चलिए सत्र को आगे बढ़ाते हैं, और किसी को अपने आप को व्यक्त होना है तो जरूर अनम्यूट होके व्यक्त हो सकते। तो यही ज्ञान यही है कि जब आपको लगता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, तो बोलो कि कुछ नहीं जानते आप, बिल्कुल सुई के नोक के ऊपर इतना भी नहीं जानते। अहंकार जब पॉप अप होने लगता है तो बोलते कुछ नहीं जानते हो, किस किप की मूली हो तुम, और ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं जानता तो बोलते सब कुछ जानते हो, ऑलरेडी सब कुछ जानते हैं। सो ये जो चीज है ना, ये समझ में आ जाए ना, तो फिर वो बैलेंस आ जाए, सेंटर में रहना हम लोग सीख लेंगे। तो दैट इज द पॉइंट, दैट सेंटर में रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसी को अपने आप को व्यक्त करना है जरूर आप अनम्यूट होके बात कर सकते। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कुंडलिनी शक्तीच्या विषयी आता जी माहिती दिली, माझा एक असा प्रश्न आहे की आपण जी पद्मसाधना करतो क्रियेच्या आधी, त्याचा आणि याचा काय संबंध आहे थोडस सांगा मला। आणि आपण जी कुंडलिनी जागृत करतो तो सहस्त्रार मध्ये कशी स्थिर करायची, त्याच्या संबंधी थोडस गायडन्स पाहिजे। बर, प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि जो आर्ट ऑफ लिविंग से संबंधित है, या कोई भी आप कहीं पे भी हो, आप यदि कुछ योग आसना कुछ कर रहे हो तो उसमें जो योग आसन हम लोग करते हैं उसका और इस कुंडलिनी शक्ति का क्या संबंध है, यह प्रश्न है। तो इस तरह से इसको देख सकते हैं ज्योत्सना जी, सिर्फ आसना ही नहीं, अपने सारे अस्तित्व के सारे स्तर जो देखे ना, मन बुद्धि या सारी भावनाएं भी देखी, उसके बाद में सारे जो हमने चक्र भी देखते हैं, अलग अलग प्रकार के जो मूलाधार स्वादिष्टान जो सारे चक्र होते हैं, कई सारे हैं, 114 टोटल हैं, जो अपने शरीर में जो नाड़ियां भी होती है, जब आप संयम वगैरह करते हैं तो वहां पे कूर्म नाड़ी, वो सारा का उल्लेख यहाँ पे आया है। कूर्म नाड़ी जो अपने हृदय में स्थित होती है, वहां पे अपनी एनर्जी को जब हम लोग वहां पे स्थिर कर लेते हैं तो वो हमें इधर उधर जाने नहीं देती। ये सारी चीजें, तो ये सारी जो चीजें हम जो कर रहे हैं ना प्रैक्टिस, सारी की सारी, भले ही वो आपका रेचक हो, पूरक हो, जो अपान लेते हैं उसको आप पूरक कहते हैं, जो बाहर छोड़ते हो प्राण कहते हैं उसी को यहाँ पे रेचक कहते हैं, उसके बाद में जो आप कुंभक करते हो, अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक, वो जो सारी प्रक्रिया, मैंने त्रिशीर्ष प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, आज भस्त्रिका प्राणायाम का भी उल्लेख हुआ था, जो बहता रहता है, जो सारे स्पंदन होते हैं, जो सारे स्पंदन चलते रहते हैं पान और अपान के, ये वो लोहार का भाता रहता है, उस भाते के प्रति वो स्पंदन वहां पे चलते रहते अपने लंग्स के, उसका भी यहाँ पे उल्लेख था। देन उसके बाद में त्रिशीर्ष प्राणायाम होगा, भस्त्रिका प्राणायाम होगा, उसके बाद में आपने पद्म साधना की बात की। पद्म साधना में जो हम लोग अलग अलग प्रकार से जो आसन करते हैं, अलग अलग आसन में, तो अपना जो वेलनेस प्रोग्राम वहाँ पे पिक्चर में आता है कि जो अपनी लिम्फेटिक जो सिस्टम रहती है, वो लिम्फेटिक जो सिस्टम रहती है उससे जो हेल्प करता है उसको सेकंड हृदय कहा गया है। तो ये जब हम लोग पद्म साधना करते हैं, अलग अलग आसन करते हैं, जब हम लोग चलते हैं, फॉरगेट अबाउट पद्म साधना, नॉर्मल चलना, आपका जो नॉर्मल हम लोग 30 मिनट के लिए वॉक के लिए रहते हैं, वो वॉक से भी जो अपने शरीर में जो काफ मसल्स होते हैं उससे जो एक्टिवेट हो जाते हैं, उससे जो रिधिरा बेसमेंट यहाँ पे होने लगता है, अदरवाइज वो जम जाता है, उसी की वजह से आदिवादी की बात कल आएगी, खैर तो उसकी वजह से जो पैर में गोले आ जाते हैं बोलते हैं, रक्त का गुथड़ा बनता, गोले आना, ये सब, ये सारी चीजें आपका जो रक्त का जो रुधिरा विसरण जो चलता रहता है वो ठीक से ना होने की वजह से उत्पन्न होता है। ये तो शारीरिक लेवल पे, मन के लेवल पे कल भी बात करेंगे कि मन के लेवल से कैसे था। तो ये तो मैंने जो बताया मेडिकल साइंस के परस्पेक्टिव, शारीरिक लेवल पे बोलते यहाँ पे यह सारी चीजें जाती है। तो यह सारी जो शक्ति है एक सटल लेवल पे यदि देख के, तो यह कुंडलिनी शक्ति ही है, जो अलग अलग यहाँ पे शक्ति, शक्ति तो एक ही ना, उसको हम लोग कुंडलिनी शक्ति बोलिए, जो यहाँ पे एक ही जगह पे होती है, वहां से वह सारे जगह पे जब पहुंचती है, स्थिर होती है, तो वह स्पंदित होती है। तो देखो ना, हम लोग जब प्राणों का स्पंदन चलता है तो कुंडलिनी शक्ति स्पंदन में आ जाती है, तो प्राण अपान कहलाती है। वही कुंडलिनी शक्ति जब अलग अलग आसरा करते हैं तो अलग अलग जगह पे जाती है,
उसी को हम लोग करते हैं। जब हम मुद्रा प्राणायाम करते हैं तो वही कुंडलिनी शक्ति हम लोग अलग अलग अपने शरीर में उसको डायरेक्ट करते हैं। वही चीज हम लोग प्राण करते प्राणायाम करते तो प्राण का हम लोग बोलते आयाम देना, आयाम देना माने डायरेक्शन देना। तो यही कुंडलिनी शक्ति हम लोग अलग अलग जगह पे यहाँ पे कहते प्रवाहित करते हैं। और बोलते जब हम लोग स्थिर होके जब वो चक्रा मेडिटेशन वगैरह करते तो गुरुदेव क्या कराते हैं, आपकी कुंडलिनी शक्ति को जगाते। आपने सबने यह अनुभव ले लिया है लेकिन अभी जस्ट हम लोग उसके बारे में जान रहे। गुरुदेव ने एक ही चीज, इसलिए बार बार ये बात क्यों आती है कि जब भी आप इसके बारे में जाओगे पढ़ोगे कुछ हो या ना हो एक चीज जरूर आपके मन में आएगी, गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा जरूर बढ़ेगी। आप में अंदर वो एस्टैब्लिश, अच्छा गुरु के प्रति ही नहीं सिर्फ इन टेक्निक्स के प्रति, जब आप इसके बारे में जाते हैं तो वो टेक्निक से मेरे को इतना सब कुछ मिल रहा है, यह जब आपके मन में वो स्थिर हो जाएगा ना तो टेक्निक के प्रति भी जिस उसी चीज को कल बैठ के आप वही सुदर्शन क्रिया करोगे, वही प्राणायाम करोगे, वही दृष्टि करोगे, वही बच का, लेकिन उसको सत्कार जो है ना, जो पतंजलि योग सूत्र में कहा है ना, ये सारी चीजें कैसे करो विथ सत्कार सेविता। एक तो पहले तो बोलते निरंतर करो ना उसको कंटिन्यू, देन बोलते विदाउट एनी गैप निरंतर करो विदाउट एनी गैप, सतोदीर्घ कालम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम निरंतर विदाउट एनी गैप, एंड बोलते सत्कार सेविता। वह जो सत्कार सेविता है ना, वह जो गुरु के प्रति श्रद्धा है, वह जो उन्होंने सिखाई हुई टेक्निक के प्रति जो श्रद्धा है, यह जो प्राणायाम भस्त्रिका सारी जो हम लोग करते हैं, सेवा करते हैं, साधना करते हैं, सत्संग करते हैं, इसके प्रति आपकी श्रद्धा जो है ना वो मल्टीफोल्ड हो जाएगी। जब हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं, मंथन करते हैं, तो उस टेक्निक के प्रति सत्कार मन में आ जाएगा, यह जरूर अवश्य होता है। तो ये सारी चीजें जो है वो कुंडलिनी शक्ति से ही रिलेटेड है। तो पद्मासना में वही होता है, ये सारी चीजों में फिजिकल एस्पेक्ट तो कल देखेंगे बट टुडे इसी के ऊपर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की बात कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें कुंडलिनी शक्ति से ही रिलेटेड है, जो कुंडलिनी शक्ति को अपने अंदर वो स्थित करने में, जगाने में, वह ऊपर उठाने में, वह अगर वो नीचे पड़ी रहती तो वो फिर वो इनर्शिया में पड़ी रहती है, जड़त्व में वही शक्ति आ जाती, वो जड़त्व भी उसी का रूप है, वो जड़त्व भी उसी का रूप है, लेकिन जब हम लोग उसको प्राणों के स्पंदन से जागृत करते हैं तो फिर वही उत्साह में परिवर्तित हो जाती है। वह जो राग द्वेष जो इधर की साइड जो देखी ना हमने, वो भी उसी का रूप है, लेकिन जब हम लोग उसको प्राणों के स्पंदन से एक्टिवेट करते हैं, जो डॉर्मेंट होती है तो इस रूप में व्यक्त होती है, उसको एक्टिव करते वही उदारता, वही करुणा, वही मुदिता, वही सारी चीजें, वही सत्व गुण जो होते वही उत्पन्न हो जाते। तो बोलते उसी को एक्टिवेट करना है, डॉर्मेंट जो होती है सोई तो अलग रूप में व्यक्त होती है, बिकॉज शक्ति है उसको तो व्यक्त होगी ना, इस फॉर्म में व्यक्त होगी नहीं तो उस फॉर्म में व्यक्त होगी, तो उसको इस फॉर्म में व्यक्त होने के लिए जो प्रयत्नों की आवश्यकता है वही पद्म साधना। पद्म साधना के बारे में और क्या कहूँ, आप जो काशी भैया का जो इनिशियल टॉपिक सुनते हैं जो पद्म साधना के बारे में, देखो उसी में कितना ज्ञान है ना, उसी में वो बताते हैं सारी चीजें, तो बड़ा सुंदर है ये। जितना और ज्यादा गहराई में जाएंगे तो पता लगेगा यार हम बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ दिया है गुरुदेव ने, और बहुत कुछ नहीं भी जानते, तो बहुत कुछ और भी जानने के लिए बाकी है। तो फिर ना अहंकार मन में उत्पन्न होगा, ना अपने आप को आप कम समझने लगोगे, ना गुरु ने जो दिया है ज्ञान उसके प्रति, ना गुरु के प्रति, ना खुद के ऊपर अपने प्रति कभी मन में वह शंका, वह डाउट जो रोक लेता है ना, इट्स वन ऑफ द ऑब्स्टेकल इन द पतंजलि योग सूत्र जो बताया है, वो डाउट नहीं रहेगा, वो शंका मन से निकल जाएगी। पद्म साधना करताना माझ्या डोक्यात हा विचार होताच, जेव्हा आपण करतो तेव्हा हे चक्र जागृत होत होते, पण ते फक्त मला ह्याच्याशी रिलेट करायचं होतं की कुंडलिनीशी होतय का असं माझ्या मनात तो विचार होताच करताना, की जेव्हा आपण पद्म साधना करतो तेव्हा एक 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 शरीराचा पार्ट आपला हेच होतो ना, स्ट्रेस होतो आणि मग ते बरोबर कुंडलिनी जागृत होतेच। हा तर हा एक हे एक नेहमी जी यहाँ पे जो अभी जो ज्योत्सना जी व्यक्त कर रहे हैं अपने को, तो जब मैं पद्म साधना करती तो मेरे मन में ये थॉट था कि यह चक्र जागृत होता है चक्र, तो इसी में एक्चुअली यह जो है ना ज्योत्सना जी, जस्ट वर्ड ऑफ कॉशन है यहाँ पे कि इसी में नहीं फंसना, इसीलिए नहीं बताते ये सारा ज्ञान ना, यही वजह होती है कि ये बताते नहीं है। क्यों नहीं बताते, कि जब हम लोग करते हैं ना तब इसके बारे में नहीं सोचना कुछ भी, अभी जागृत है, पद्म साधना कर नहीं रहे, उसके ऊपर चर्चा कर रहे, मंथन कर रहे,
तो ज्ञान की चर्चा हो रही है, लेकिन जब करते हो तब कोई कुंडलिनी शक्ति नहीं या एक्टिवेट हुई 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 ऐसा कुछ नहीं है, चक्र एक्टिवेट हुआ बिल्कुल नहीं, उस वक्त कुछ भी नहीं, उस वक्त जो बताया उसमें करने का बस आनंद में मस्त रहेगा, वो एक ये चीज है कि कभी इसमें इस ज्ञान में भी उस वक्त फंसो नहीं। हाँ, तो ये थोड़ा एक वर्ड ऑफ क्वेश्चन है कि डोंट गेट स्टक इन टू दिस, फंसना नहीं इसमें ना, उसको जो उस वक्त जो करना है वो बस आप शांत हो जाओ। उस वक्त क्या गुरुदेव बोलते हैं, ना कुछ जानने की इच्छा है ना कुछ करने की इच्छा है, आपको शांत, जो प्रक्रिया जो जिस तरह से देता है उसको उसी तरह से करो। उस वक्त इन सारी चीजें, अरे पूरक हो रहा है कुंभक हो रहा है, ये सब कुछ उस वक्त की आवश्यकता नहीं, उसे बस करो, उस विदाउट एनी नॉलेज जो है उसको बस करो। हाँ, बट जब आपकी श्रद्धा जब रहेगी उसके ऊपर तो उसकी क्वालिटी जो रहेगी करने की जो क्वालिटी है वो जरूर उसमें वृद्धि हो जाएगी। तो ये जस्ट एक शेयरिंग था, चले आगे थैंक बढ़ाते यू। हैं। और हाँ जगह दे जगह किसी को और को व्यक्त करना है। हाँ नेहा जी प्लीज गो अहेड बोलिए। हाँ, जय गुरुदेव। आजच कुंडलिनी शक्तीच आणि सिद्धी खूपच सुंदर होत नॉलेज, म्हणजे जे काही अनुभव यायचे काही क्रिया करताना मेडिटेशन किंवा इवन योगासन करताना अनुभव यायचे त्याचं उत्तर मिळालं बरचसं। किंवा आपल्याला एखादा भाग जेव्हा दुखतो शरीराचा तेव्हा तो आधी थंड पडतो हे मी बघितलंय, मग तिथे दुखणं सुरू होतं त्याचा पण अर्थ कळला। आणि एक माझा जरा प्रश्न आहे की सोहम करताना ना सो करताना डोक्याच्याही वर जाते मी सो हम करताना, तर कुंडलिनी पण कुंडलिनी बाहेर जाते का त्यावेळेला सहस्त्राच्या बाहेर का सहस्त्रात, ते मला जरा प्रश्न पडतोय। आणि हा अनुभव मला आत्ताचा नाहीये, जवळजवळ 15-1 वर्षांपासून मी बघते, जेव्हा चक्रक्रिया नव्हती असं सुदर्शन चक्रक्रिया तेव्हापासूनचा हा मला अनुभव आहे। ओके दोन तीन प्रश्न है, थोड़ा मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ ताकि सबको इसको समझने में आसानी हो। यहाँ पे नेहा जी ने प्रश्न पूछा है कि जब वह सो हम करते तो उसमें जो सो वाला पार्ट होता है तो उनको ऐसा लगता है कि क्या कुंडलिनी शक्ति मेरे को उससे भी परे लेके जाती है, सहस्त्रार से भी जो चक्र होते हैं उससे भी परे वहां पे ले जाती है, ऐसा उनका अनुभव है। और फिर वो क्या ऐसा होता है ये प्रश्न है। और फिर उसके बाद में इसी से रिलेटेड और एक भी चीज जो एडिशनली मैं यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट करना उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यह जो कुंडलिनी शक्ति है या जो शक्ति जो है जो शिव की जो अवस्था रहती है वो जो स्थिर होता है तो उसको हम लोग शिव कहते हैं, जब वो स्पंदन में आ जाते हैं तो उसी को हम लोग शक्ति कहते हैं। तो हमने देखा ना कि चक्र जो होते हैं वो चक्र जो 7 मुख्य चक्र है तो लेकिन उसके ऊपर भी वहां पे 2 जो चक्र जो होते हैं, अक्सर हमको गुरुदेव ना बोलते कि टेक योर अटेंशन टू 1 फीट अबाउ योर हेड, देन उसके बाद में बोलते और थोड़ा 1 मीटर ऊपर लेके जाओ। तो गुरुदेव इन्हीं चक्रास में हमको लेके जाते हैं लेकिन उसके बारे में कभी इस तरह से खुल के ऐसे बताते नहीं है, तो वो हमको लेके जाते हैं उसके भी परे लेके जाते हैं। तो वहां पे यह कुंडलिनी शक्ति जाती है और नाम ही अलग अलग है, एट द एंड ऑफ द डे तो आपके मन वहां पे अगर पहुंच रहा है तो मन भी तो कुंडलिनी शक्ति का ही स्वरूप है, तो वो एक बात हो गई। तो सर जगह पे एक ही चीज है, जो शक्ति है एक ही चीज है, एक ही शक्ति है, उसको आप कुंडलिनी बोलो दुर्गा बोलो शक्ति बोलो पार्वती बोलो और कोई हजार वहां पे नाम है किसी भी नाम से पुकार लो, इच्छा शक्ति बोलो कुछ भी बोलो, एक ही शक्ति तो है अल्टीमेटली, उसी को कुंडलिनी कहते हैं। ठीक है वो एक बात हो गई, या सिर्फ शक्ति करो कुंडलिनी की बात भी नहीं कर रहा है, तो वही एक ही शक्ति एक ही एनर्जी है, वही सब जगह के अलग अलग फॉर्म में अपना अपने आप को व्यक्त करती है, ये पहली बात हो गई। अभी दूसरी बात हो गई कि जो अपना विज्ञान भैरव यदि आप देखते हो और अपना ये देखते हो सुदर्शन चक्र क्रिया देखते हो, तो व्हाट इज देयर इन सुदर्शन चक्र क्रिया, फॉर द ब्रीथ इन देर इज अ सो, माने जब सो होता है तो हम लोग ब्रीथ इन करते हैं, हम जो होता है हम लोग ब्रीथ आउट करते हैं, इस ये हो गया सो हम। अच्छा देर इज अनदर टेक्निक कॉल हमसा, यदि आपने सुना होगा तो देर इज हम का टेक्निक, हम में क्या करते हैं नो कि जब हम लोग हम कहते हैं ना तो ओम जिस तरह से कहते हैं तो ओम में तो बाहर निकलता है, यहाँ पे हम जो कहते हैं उस वक्त एक्चुअली यू आर ब्रीदिंग इन, उल्टा है। फर्क कोई नहीं है, एक ही बात है, आप ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट ही करते हो लेकिन उसका समझने की जो ये है वो थोड़ा अलग है। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं सो पे ब्रेथ इन हम पे ब्रीथ आउट, यहाँ पे बोलते हम पे ब्रीथ इन एंड सो, माने जो हम जो होता है वो अपार होता है और वो जो
तो उस आखिरी में जो जाके जो होता है वहां पे जो स्थिर हो जाता है, तो फिर वो अंतर कुंभक लग जाता है, वो होती है बोलते तब तक वो शक्ति होती है स्पंदन की, और जो बोलते उसके बाद में बोलते बोलते हम वो तो ये सृष्टि में यह जो सो हम या हमसा जो आई एम दिस आई एम दैट और दैट आई एम कुछ भी बोलो बात तो एक ही है, तो ये सृष्टि चक्र में यह सो हम या हमसा चल ही रहा है, यह स्पंदन सतत 24/7 यह सतत चल रहा है। इसलिए इसके साथ जब आप होते हो तो आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, किसी वजह से काका भूषण को आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, बिकॉज बोलते यह स्पंदन जो है ना पूरी सृष्टि में अविरत चल रहा है, किसी क्षण का भी उसमें वहां पे रुकावट नहीं है, वो अविरत चल रहा है, और बोलते यह स्पंदन जो रहता है इसी की वजह से यह सारे जो तारे हैं पृथ्वी है ये सारे कंटिन्यूअसली घूम क्यों रही है, कोई स्तब्ध नहीं, इसलिए यह शक्ति का यह शिव का ही शक्ति का यह स्पंदनों का ही रूप है। इसी को जब आप थोड़े समय के लिए निरोध कर लेते हो शांत कर लेते हो तो वह शिव जो शून्यता है जो बिल्कुल देयर इज नो स्पंदन वह पूर्णता जो है उसको आप प्राप्त कर लेते हो, और यही शिव अवस्था तो उसका अनुभव जब हम लोग लेते हैं जब कुंभक लगाते हैं निरोध करते हैं तब वो मन की गति सारी गतियों को रोक देते हैं निरोध कर लेते हैं, इसलिए बोलते उस वक्त आपके चित्त की वृत्ति का इसलिए बोलते योगा चित्त वृत्ति निरोधा, क्यों चित्त की जो वृत्ति रहती है जो चंचल रहता है उसकी वृत्ति को निरोध ही योग करता है, और योग करना माने क्या यही सारी चीजें प्राण के निरोध करना प्राण के स्पंदन को योग में हम लोग उसको क्या करते हैं निरोध करते हैं। ये सारा थोड़ा और एक उसका एंगल था एस्पेक्ट था नेहा जी। और कुछ एडिशनल आपको कहना है इसके बारे में? नहीं थैंक यू, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए इस सत्र को आगे बढ़ाते हैं। हाँ जय श्री जी प्लीज गो अहेड। हाँ सबका सुन रही थी मैं तो वही विचार आ रहा था कि जैसे हम बोलते हैं ना बहिर्मुखी सदा दुखी अंतर्मुखी सदा सुखी, तो देखो हम पहले यहाँ आने से पहले हमारा मन बहिर्मुख था ना, तो हम उलझन में थे सब ऐसे, पर जहाँ यहाँ पे आने के बाद हमारा मन अंतर्मुखी हो गया तो देखिए ना सबके क्वेश्चन हो या लेने का ज्ञान लेने का है ना वो तरीका बदल गया है, तो समझ में आ रहा है ना कुंडलिनी क्या है वो शक्ति कैसे कहाँ पे क्या रिएक्शन क्या करते से, तो वही है प्राणायाम से जब हम श्वास प्राणायाम से हम वो एनर्जी ऊपर उठाते हैं तो वो सकारात्मक इफेक्ट दिखाती है, और जब हमारा उस पर ध्यान नहीं रहता तो वो डाउन हो जाती तो वो निगेटिव इफेक्ट दिखाती है, ये मैं बोलना चाह रही थी। और अभी जो बोल रहे थे पद्म साधना का तो वही होता है ना वहां पे भी कि तो वो पद्म साधना से भी सेम प्राणायाम में अलग अलग आसनास होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हम सकारात्मक ही रहते हैं, मेरा तो यही ये अनुभव, और कंटिन्यूसली करो ना तो हमेशा सकारात्मक विचार रहते हैं, ये सबका हमारा अनुभव है ना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव डेफिनेटली यह अनुभव तो गुरुदेव ने दिला ही दिया है इसलिए तो कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हाँ बाकी अपने आप को कोई व्यक्त करना चाहते हैं तो जरूर अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं। संतोष जी कामताई कहीं बोला है से तुम्हारा अपर्णा जी दादी बहुत दिनों से कुछ बोली नहीं है सोहम दादी हाँ बोलिए संतोष जी बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप बोल रहे हो लेकिन वाइब्रेट हो रहा है लेकिन आवाज नहीं सुनाई दे रही आपका, शायद वो माइक्रोफोन है तो वो निकाल दीजिए हेडफोन तो आ जाएगी आवाज। हाँ जी भी नहीं बोलना अच्छा कुछ भी नहीं है गुरुदेव बोलते हैं ना कुछ वो करो कुछ कर सकते हो
आगे निकलना है वो महसूस हो रहा है उसका अनुभव बहुत बढ़िया बढ़िया ठीक है। हाँ दादी बोलिए। बहुत दिनों के बाद आज से बैठी हुई हूँ क्योंकि अभी दिवाली में बहुत काम में थे सब लोग तो भी घर में भी सबके साथ रहना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। आज अच्छा लगा मतलब अभी थोड़ा थोड़ा लाइन पे आएगा। अभी कुंडलिनी शक्ति के बारे में आपने जो बताया वो अच्छा है मतलब ये सब करने से कुंडलिनी शक्ति जागृत तो होती है लेकिन बहुत ध्यान से करना पड़ता है और अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा। और ये आपका नॉलेज सेशन चालू रहता है तो मुझे भी अच्छा लगा। बहुत सारे लोगों को बोला है मैं जो 11:30 बजे प्रार्थना सेशन में बैठती हूँ ना तो ये लोग पूछ रहे थे मैंने बोला योग वशिष्ठ चल रहा है आपको सुनना हो तो फिर उन लोगों ने मेरे को बोला है कि आप मुझे लिंक भेज देना अभी उन लोग को लिंक भेज दूंगी। जरूर जरूर दादी। हाँ तो अभी तो बहुत दिन के बाद बैठी हूँ क्योंकि अभी बीच में सब छूट गया था। कोई बात हाँ नहीं वो तो थोड़ा काम करते करते भी सुनते रहते अभी भी घर में अकेली हूँ तो सब काम तो करना पड़ता है ना सब लोग गए हुए है अच्छा। तो पूरा घर हैंडल करना पड़ता है। आज भाई लोग भी दिवाली की छुट्टी मना रही है तो काम करते करते जितना काम में जाता है इतना अच्छा ही है। बढ़िया बढ़िया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आप लोग इतना टाइम देके हम लोग को इतना नॉलेज देते हैं तो हमें मतलब सबको मैं नहीं लेकिन सबको इसका लाभ लेना ही चाहिए क्योंकि ये सब जगह नहीं मिलता है। ये तो अपने नसीब में होता है तो मिल जाता है फिर इसमें से 2-3% भी अपने जीवन में उतरे तो बहुत ही अच्छा है। मतलब सुनने से ज्यादा जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल आई एग्री। एंड गुरुदेव ने सब कुछ दे दिया है दादी ऐसा कुछ नहीं। गुरु जी ने तो सब कुछ दे दिया लेकिन वो तो क्या है सूर्य का प्रकाश तो आता है लेकिन हम लोग को भी खिड़की खुली रखनी पड़ती है तभी तो वो घर में आएगा। तो अपना कुछ देता रहता तो गुरु जी भी अपने तो सब कुछ लुटाते रहते जब तक है वह तब तक वो लुटाते रहेंगे फिर जो मिल रहा है उसको हमको लेना चाहिए जब भी टाइम मिले। मतलब ऐसा नहीं है कि जब भी टाइम मिला और ये उसमें भी आता है फेसबुक पर वो यतीन भैया का जो 100 दिन का था ना वो फेसबुक पर वो 1 दिन मेरे आया फिर मिलता ही नहीं है मुझे अभी है, वो है। मैं भेजूंगा आपको लिंक। मुझे लिंक भेज देना कि 1 दिन मैंने सुना फिर मैंने सोचा चल अब फिर से रोज एक 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 सुनूंगी तो फिर तो पता नहीं मुझे थोड़ा बहुत आता भी नहीं है तो फिर आया भी नहीं मतलब नहीं नहीं मैं भेजूंगा लिंक। आपको YouTube का एक्सेस है क्या दादी? YouTube आप यूज करती हैं? YouTube हाँ YouTube में ज्यादा यूज करती हूँ Facebook में बहुत ज्यादा यूज नहीं करती हूँ। YouTube वाली लिंक दे दूंगा आप YouTube हाँ, पे हाँ, भेज देना फिर मैं और सब काटूंगी। संतोष जी का भी कॉल आया था वो भी बोल रहे थे वो Facebook पे देखना थोड़ा ये लगता है तो उनको बताया प्रॉमिस YouTube पे बहुत अच्छा था। मैंने सोचा चलो अब जब भी टाइम मिले ना तो थोड़ा थोड़ा सुनेंगे तो फिर रिपीट हो जाएगा क्योंकि भूल जाते हैं हम लोग तो। आई एग्री। लेट्स मूव ऑन थोड़ा आगे बढ़ाते मैं जरूर आपको भेजूंगा और किसी को व्यक्त करना है जरूर आप व्यक्त हो सकते हैं। प्रणाम जी प्लीज गो अहेड। जय गुरुदेव। मैंने अपने आर्ट ऑफ लिविंग पे ग्रुप पे पढ़ा था कि उसमें उसने बताया था कि मेडिटेशन बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। लाइक अगर हम लोग खाना नहीं खाते हैं तो कुछ दिन तक हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं लेकिन उसके बाद आप खाना खाते हो तो जो भी उसके वजह से जो नुकसान हुआ है वो बाहर निकलता है। पानी भी कुछ नहीं पीते हो कुछ दिन तो चल सकता है फिर 4-5 दिन के बाद जब पानी पीते हो तो जो भी उस बिना नहीं पिए जो नुकसान हुआ था वो बाहर निकलता है। लेकिन अगर आप रोज मेडिटेशन करते हो और 1 दिन भी आप मेडिटेशन मिस करते हो तो कॉन्शियस लेवल पे आप बहुत कुछ मिस करते हो जिसको वापस भरने में बहुत देर लगती है। इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि हर रोज मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर कॉन्शियस लेवल।
ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी जो आज के इससे रिलेटेड थी। डेफिनेटली की जो ज्ञान की चर्चा करते वो आपके बुद्धि के लिए फूड है, लेकिन जो अपना सोल होता है उसके लिए जो फूड है वो आपका ध्यान ही है, मेडिटेशन। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। मेडिटेशन तो वैसे भी रोज करना चाहिए, बहुत ही अच्छा था, अपना माइंड बहुत शांत रहता है। और ये जो हमारा 11:30 बजे प्रार्थना सेशन चलता है ना, वो मसूरी से है, वो जसविंदर जी तो वो चलाते हैं, तो मैं उसमें भी बैठती हूँ, तो हम लोग उसमें रोज मेडिटेशन, ओम नमः शिवाय चैंटिंग, सब चैंटिंग करते रहते, वो भी सेशन बहुत अच्छा है। तो उसमें हम लोग 11:30 से 1 बजे तक रोज चलता है, 6 महीना हो गया है, तो वो भी बढ़िया। हाँ, तो उसमें हमने बोला कि रोज मेडिटेशन तो करो, क्योंकि सहज तो घर पे कर लेते, लेकिन वो गाइडेड मेडिटेशन भी नहीं होता है, सहज तो सुदर्शन क्रिया के साथ हो जाता है, लेकिन गाइडेड मेडिटेशन कभी होता है कभी नहीं होता है। मैंने बोला रोज आप करवाओ तो फिर अच्छा है कि हो जाता है सब साथ में। बहुत बढ़िया बढ़िया, रोहिणी रोहिणी ताईपन कई मन तक, रोहिणी जी काइंडली तुम्हें अनम्यूट करा स्वतःला। हाँ जी बोला रोहिणी जी, बोला तुमने। खरच शब्द सुचत नाही तो, इतकं छान रात्रीच ऐकून पण मी वॉक घ्यायला थांबते, कारण मला चैनच पडत नाही ऐकल्याशिवाय तुमच, अशी स्थिती होते। खूप छान, ऐकत जा रोज, ऐकत जा। और किसी ने आपको व्यक्त होना है जरूर आप अनम्यूट करके बात कर सकते। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है, एनी एडिशनल टेक अवेज ऐड करना है, यू कैन डू दैट, इफ नॉट देन वी विल कंक्लूड दिस सेशन टुडे। कल का सत्र जरूर अटेंड करना, विल लिसन टू संगीता जी आल्सो मोर ऑन आदि व्याधि, उसके रेकी एंड हीलिंग वगैरह जो होता है उसके बारे में कल जरूर चर्चा करेंगे। संगीता जी कम प्रिपेयर्ड है उसके लिए। संगीता जी को बहुत बहुत आभार, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा समझाते हैं एकदम सरल भाषा में, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, सुनने को अच्छा लगता है। जैसे जैसे कोई पिक्चर में बैठे हो, पिक्चर में जितना इंटरेस्ट पड़ते हैं ना, इससे भी ज्यादा इंटरेस्ट यहाँ होता है। तो आप एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। आपने सोमेश्वर जी को साथ दिया और इसकी वजह से दुनिया के सब लोगों को साथ मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छा है। और भी सब लोग, कितने लोग को जीवन आप, मतलब उनका जीवन आप उजाला लाते हो, अच्छा ही है। थैंक यू। चलो ताकि पुनः एक मिल पाए।